फतेहगढ़ साहिब पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दो गैंगस्टर को मार गिराया है, एक घायल हुआ है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर मुठभेड़ में दो पंजाब पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। एजीटीएफ की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया था। मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई, साथ ही बस्सी पठाना मार्केट में ये मुठभेड़ हुई। एजीटीएफ की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया और आपको बता दें कि बस्सी पठाना मार्केट में इसमें मुठभेड़ हुई, साथ ही पुलिस को यहाँ पर सफलता भी मिली है। और इसी के साथ दो गैंगस्टरों को मार गिराया गया है पुलिस की तरफ से, एक बदमाश घायल है। इसी के साथ दो पंजाब पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। एजीटीएफ की तरफ से आपको बता दें पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ये मुठभेड़ पुलिस और आपको बता दें कि बदमाशों के बीच में बस्सी पठाना मार्केट के क्षेत्र में हुई, जहां पर पुलिस और गैंगस्टरों के बीच लंबी मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने दो गैंगस्टरों को इस मुठभेड़ के बाद मार गिराया, एक बदमाश अभी भी घायल है। इसी के साथ दो पंजाब पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल हुए हैं। तो बस्सी पठाना मार्केट में आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से ये पूरा ऑपरेशन रहा। फतेहगढ़ साहिब पुलिस और इसी के साथ गैंगस्टरों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दो गैंगस्टरों को यहां पर मार गिराया है, सफलता पुलिस के हाथ लगी है। इसी के साथ इस पूरे मुठभेड़ में पंजाब पुलिस के दो पुलिसकर्मी भी यहां पर घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की, ये पूरी घटना जहां पर पुलिस की तरफ से आपको बता दें कि मार्केट के अंदर ये मुठभेड़ हुई। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से आप गाड़ी भी देख सकते हैं जिसमें कि बदमाश सवार थे, और यहीं पर पुलिस की तरफ से आपको बता दें कि मुठभेड़ पहुंचा थी। आठ तारीख की रात को 8 जनवरी में फिलौर दे लगे कुछ गैंगस्टर्स ने फगवाड़े तो एक गड्डी हुई सी, इस जो फिलौर उन्होंने फॉलो कर रहा है। फिलौर दे लगे कुछ गैंगस्टर्स ने बाबा साहब मुलाजिम शहीद करता से नाम से दीप सिंह, वो सेम ग्रुप का जो सरगना है वो तेजा सिंह, और इस बंदे के ऊपर 38 से ज़्यादा पर्चे दर्ज हैं अलग अलग धाराओं में क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो जब एजीटीएफ की टीम इसको फॉलो कर रही थी, फॉलो करने के दौरान जब इसको यहाँ पर रोकने की अरेस्ट करने की कोशिश करेगी तो इसने गाड़ियाँ चढ़ाकर भागने की कोशिश करी। पुलिस पार्टी फायरिंग करी, फायरिंग में हमारे एक पुलिस वाला क्लास में गोली लगी है, दूसरे के पैर पे इंजरी है। क्रॉस फायर जो रिटेलिएटरी फायर था, उस फायर में इस गाड़ी में 3 बंदे सवार थे, दो की क्रॉस फायर में गोली लगी थी, 2 की डेथ हो गई, 3रा बंदा इंजर्ड थी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता ईशा ठाकुर मेरे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। ईशा, किस तरह से मुठभेड़ को अंजाम पुलिस की तरफ से दिया गया है, सफलता यहां पर पुलिस को मिली है, दो बदमाशों को यहां पर मार गिराया गया है, एक बदमाश घायल है, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, जिस तरीके से पंजाब में गैंगस्टर की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ चुकी है, और अगर हम बात करें आज के मुठभेड़ की, तो जो गैंगस्टर है, नामी गैंगस्टर है पंजाब का तेजा गैंगस्टर, उसका पीछा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तरफ से किया जा रहा था। और ऐसे में जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रमुख हैं प्रमोद भान, उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उन्होंने उस गैंगस्टर को सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन गैंगस्टर ने पुलिस कर्मियों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें एक पुलिस कर्मी जख्मी हुआ है, जिसके पैर पर गाड़ी चली है। वहीं एक दूसरे पुलिसकर्मी की बात करें तो उन पर गोली भी चलाई गई है। दो पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। फतेहगढ़ साहिब जो कि पंजाब का जिला है, उसके करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बस्सी पठाना मार्केट है, वहां पर ये एनकाउंटर हुआ है पंजाब पुलिस की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उसके और गैंगस्टर के बीच में। तेजा गैंगस्टर उसे मार गिराया है पंजाब पुलिस ने, और उसके साथी को भी, इसके अलावा एक और साथी जो उनके साथ कार में सवार था वो इस मुठभेड़ में जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल भेजा गया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ा ऑपरेशन एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का, और जिसमें कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। दो गैंगस्टर मार गिराए हैं और एक जख्मी है, और जो जख्मी गैंगस्टर भी हैं उससे यहां पर पूछताछ आगे की जाएगी कि इनका जो नेटवर्क है वो कहां कहां फैला है। और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जो तेजा गैंगस्टर है उसके खिलाफ 38 मामले इस वक्त आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं जो प्रमोद भान है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जिनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चला, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ऑपरेशन है आज का वो मुकम्मल हो चुका है, और आने वाले समय में और भी जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल उनकी तरफ से यही जानकारी साझा की गई है कि दो गैंगस्टर
मार गिराए गए हैं, जिसमें एक नामी गैंगस्टर है तेजा गैंगस्टर, और वहीं दो पुलिस कर्मी भी इसमें जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ईशा साफ संदेश यहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से और साथ ही एजीटीएफ की तरफ से भी इस पूरे एक्शन के बाद ये दिया गया है कि अब पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं गैंगस्टर की जो घटनाएं पिछले दिनों में देखी गई हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। और जो पंजाब की बात करें तो हाल ही के समय में जो गैंगस्टर एक्टिविटीज हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, और यही वजह है कि जो ऑपरेशन है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का वो लगातार जारी है। और गैंगस्टर के कहीं ना कहीं कनेक्शन यहाँ पर आतंकी संगठनों से भी मिले हैं, यही वजह है कि जो ऑपरेशन है उसे बड़ी तेजी से यहाँ पर चलाया जा रहा है, और यही वजह है कि आज एक बड़ी सफलता भी यहाँ पर पंजाब पुलिस के हाथ लगी है। चलिए, देखना होगा किस तरह से जो कार्रवाई लगातार एजीटीएफ की तरफ से पंजाब के अंदर की जा रही है आगे भी जारी रहती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।